से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। गोंदिया में दो ट्रकों में हुआ भीषण हादसा, चार की मौत। नागपुर पाचपावली में गुंडे की हुई दर्दनाक मौत। वृद्ध माँ बाप को दी जान से मारने की धमकी। अब खबरें विस्तार से। गोंदिया में हुआ भीषण हादसा, हादसे के दौरान जगह पर ही चार लोगों की मौत हुई। ट्रक देवरी से नागपुर की ओर जा रहा था, तभी ओवरटेक करने के प्रयास से हुआ भीषण हादसा, उसी दौरान चार लोगों की मौत हुई। नागपुर पंचपावली पुलिस स्टेशन क्षेत्र में भयानक एक व्यक्ति की हत्या कर दी। यह घटना 30 नवंबर की दर्शाई जाती है। दोपहर करीब 4 बजे राउत चौक में यह घटना हुई थी। मृतक का नाम पिंटू ठौकर बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पिंटू को देखा तो खून से लथपथ था। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। आरोपी को फरार बताया गया है। यह घटना नांदेड़ के विवेकानंद की दर्शाई जाती है, जहां एक बेटे ने ही बुजुर्ग माँ बाप को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित द्वारका दास बच्चेवार 80 साल के हैं, जहां पिता ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बेटा बहू पर मारपीट, गाली गलौज जैसे शिकायत दर्ज की है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।